टीजे असली असुर है? वेल हाँ, धनंजय ही असली असुर है। असुर के सीजन 2 के बाद एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये कि डीजे इस सब का मास्टरमाइंड है और वो ही असली असुर है, क्योंकि उसने एक बार कहा भी था कि बड़ी बड़ी जंग जीतने से पहले छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। और सीजन 1 में तुम्हें याद हो तो उसी ने कहा था कि ये तो बस शुरुआत है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसका मतलब जो कुछ आपने अभी तक देखा वो सब एक धोखा था। सीरीज के मेकर्स आपको इल्यूजन में डालकर आपको पागल बना रहे हैं। तो धनंजय इस सब का मास्टरमाइंड कैसे है? जब धनंजय पहली बार शुभ से मिला था उस घाट पर, तो उसने तभी पता लगा लिया था कि ये ही अपने बाप का कातिल है और उसे गलत केस में अंदर डाल दिया। जिसके बाद डीजे ने उसकी जब बातें सुनी जेल के अंदर, तो उसे पता लगा कि शुभ अपने आप को असुर मानता है। तो उसने उसी टाइम सोच लिया कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अपने मिशन में। वही मिशन जिसमें डीजे चाहता है कि एक ऐसी दुनिया हो जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो। धनंजय ने इस सब शुरुआत करी अपनी बीवी को मार के। हाँ माना, मारा उस टैटू वाले बंदे ने, पर उस बंदे को सच में डीजे ने हायर किया हुआ था और उस बंदे को काम खत्म होते ही मार दिया। मैंने एक चीज नोटिस किया है, सो अपने ही बंदे को मार के उसे कभी भी मास्क नहीं पहनाता, चाहे वो प्रोफेसर हो, जगदीश हो या फिर कोई और। तो डीजे ने उस बंदे को मार के उसे मास्क पहनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने स्वाति को मार के उसे मास्क पहनाया था। और डीजे ने अपनी बीवी को मार के सबके दिमाग में ये डाल दिया कि वो तो कभी असुर हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ उसने ऐसी प्लानिंग करी थी कि निखिल ने उसको जेल में ही डाल दिया। जेल में जाकर उसे ये फायदा हुआ कि उसको क्रॉस वेरीफाई कोई नहीं करेगा बाद में। एक और चीज, सीजन 1 में जब धनंजय उस कार को चेक करता है तो उस कार में आग लग जाती है, जिससे जस्ट पहले लोला उससे कहता भी है कि कार को मैं चेक करता हूँ, लेकिन डीजे उसे मना करके खुद चेक करता है, जिसके बाद आग लग जाती है और सारे एविडेंस उस आग के साथ जल जाते हैं। जिसके बाद जो लाइन डीजे बोलता है, उस लाइन ने मुझे शुरू से ही डीजे पर शक करा दिया। डीजे लोला से सिगरेट ले लेता है तो लोला उससे कहता है कि आपने तो छोड़ दी थी सर। तो डीजे उसको रिप्लाई करता है स्पेशल ओकेशंस पर, आपने तो छोड़ दी थी सर स्पेशल ओकेशंस। जहाँ तक मेरा मानना है, उस जगह पर स्पेशल ओकेशन तो कोई थी भी नहीं, सिवाय इसके कि उसने अपनी बीवी का मर्डर करा और सारे सबूत जला दिए। इसके अलावा डीजे को फॉरेंसिक की सारी नॉलेज थी, पर टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी कम थी, जिस वजह से सीबीआई के अंदर रसूल को लाने वाला भी धनंजय राजपूत ही था। सीजन 2 में उसे पता था कि रसूल का राज सबके सामने खुल ही जाएगा, तो उसने निखिल की बीवी से ऐसी अटैचमेंट की कि वो उसके टेक्निकल काम संभालने लगी और आगे उसका बहुत तगड़ा रोल होने भी वाला है। नेक्स्ट तुम्हें केसर भारद्वाज तो याद ही होगा, जिसकी बीवी का रेप हुआ था, तो शुभ ने उसको न्याय दिलाया था और उसकी जान भी बचाई थी। बदले में उसे कहा गया था कि उसकी जो मौत है वो असुर के पास गिरवी रखी है, जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो उसकी मौत उसे वापस लौटा दी जाएगी। इसके बाद जब केसर भारद्वाज का काम सच में खत्म हो जाता है, तो शुभ उसको कहता है कि उसका जीवन उसको वापस लौटा दिया गया है। तुमने अपना कर्म निष्ठापूर्वक निभाया है, तुम्हारे सराहनीय योगदान के बदले मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन लौटा रहा हूँ। बट धनंजय केसर को गोली मार देता है इस डर से कहीं केसर अब जाके किसी को सच न बता दे, क्योंकि अब वो फ्री है अपने काम से। इधर नोटिस करने वाली बात एक और है कि शुरू में तय हुआ था कि जैसे ही केसर का काम खत्म हो जाएगा वैसे ही उसकी मृत्यु से वापस लौटा दी जाएगी, जो कि हुआ भी। जैसे ही केसर का काम खत्म हुआ उसे असुर ने ही मारा, मतलब धनंजय राजपूत ने। सीजन 2 में एक लाइन थी कि कलयुग में कल्कि का मेन वेपन होगा टेक्नोलॉजी। माइथोलॉजी के हिसाब से कल्कि का मेन वेपन होगा टेक्नोलॉजी। और निखिल की टीम टेक्नोलॉजी से जीतकर इस गलतफहमी में रह गई कि असुर अब खत्म। लेकिन जैसा तुम्हें पता है, डीजे ने कहा था किसी बड़ी जंग को जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं, जिससे दुश्मन के दिमाग में ये बैठ जाए कि वो जीत गया और अपने हथियार नीचे डाल दे। तो निखिल और उसकी टीम को यही गलतफहमी रह गई कि असुर मर गया और वो जीत गए। लेकिन सीजन 2 की थीम तो यही थी, अंत अस्ति प्रारंभ, मतलब अंत ही असली शुरुआत है धनंजय के मास्टरमाइंड प्लान का। इसके अलावा जब धनंजय वृंदा से पहली बार मिलता है तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उससे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन वृंदा अपने हाथ दिखाती है मिट्टी के और अपना अंधापन भी दिखाती है। अगर वृंदा अंधी थी तो उसे कैसे पता डीजे हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे कर रहा है? डेयर डेविल थी क्या? और धनंजय जैसा शार्प माइंडेड बंदा इस चीज को कैसे इग्नोर कर गया भाई? मतलब बस हमारी आंखों में धूल जो की जा रही थी, डीजे तो पहले से मिला हुआ था वृंदा से, और मैं सही हूँ तो वृंदा अंधी नहीं है। इसके अलावा एक बार डीजे और निखिल मिलते हैं स्वाति के मरने के बाद, वही स्वाति जिसने निखिल की बेटी रिया को मारा था। तो उस मीटिंग के दौरान निखिल खुद कहता भी है कि सालों पहले उसने एक गलती की थी कि डीजे को रोका नहीं, लेकिन अब वो ये गलती नहीं करेगा, एक और असुर नहीं चाहिए इस दुनिया को। और हाँ, एंडिंग में निखिल जब शुभ से मिलने जाता है तो शुभ उसे कली की स्टोरी समझाता है, जिसमें वो कहता है कली को हराना संभव नहीं है, क्योंकि कली के पास दो महाशक्तिशाली सेनापति थे, कोका और विकोका। उन कोका और विकोका को ब्रह्मदेव से वरदान मिला हुआ था कि उन्हें साथ में कोई भी हरा नहीं सकता, ना ही कोई मार सकता। डीजे के कोका और विकोका शुरू से शुभ और रसूल रहे थे, जिसमें शुभ को लोगों के आगे असुर बना दिया और लास्ट में मरवा दिया ताकि नई शुरुआत हो सके।
कोका और विकोका को हराने के लिए उन्हें अलग करके मारा गया, मतलब रसूल और सुब को मार दिया गया। लेकिन उसने लास्ट में कहा कि कली तो उस शरीर में था ही नहीं, मतलब असुर अब नया जन्म लेगा, नई शुरुआत होगी क्योंकि अंत ही प्रारंभ है। मतलब अब डीजे के नए कोका और विकोका बनेंगे जो कि हो सकते हैं नुसरत और वृंदा। डीजे चालाक तो बहुत था लेकिन निखिल उसका हर बार घमंड तोड़ देता था। निखिल हमेशा महाभारत के अभिमन्यु की तरह रहा, कितना भी बड़ा चक्रव्यूह आ जाए वो उसे तोड़ेगा। लेकिन जैसा हमें पता है अभिमन्यु भी लास्ट में हार गया था, वैसे ही निखिल भी हारा। अब पूछोगे कैसे, तो जो निखिल था उसने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी क्राइम नहीं किया था, लाइक किसी को मारना या गलत एविडेंस में फंसाना, जिस वजह से निखिल ये साबित किए जा रहा था कि कलयुग अभी अपनी चरम सीमा पर नहीं आया। पर लास्ट में निखिल ने सुब को मारकर ये साबित कर दिया कि असुर अपने मकसद में कामयाब रहा, क्योंकि निखिल ने एट द एंड क्राइम कर ही दिया और वो भी अभिमन्यु की तरह हार गया। अब इस सब में एक चीज बड़ी गजब की है नोटिस करने को, जो तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगी। धनंजय ने एंड टाइम पर सुब को देखकर उसमें गोली मार दी थी, तो तुम्हें लगा होगा कि सुब की प्रेडिक्शन गलत हो गई। बट सच बताऊं तो मशीन ने यही प्रेडिक्ट किया था कि सुब पकड़ा जाएगा और निखिल के हाथों मारा जाएगा। तो उसने प्लान बनाया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि निखिल उसे मारकर क्राइम कमिट कर ले ताकि उसका मकसद पूरा हो जाए। इसलिए तो सुब ने उस बच्चे को नहीं मारा जिसने निखिल को लोकेशन बताई थी, क्योंकि वो खुद चाहता था कि निखिल को लोकेशन पता लगे। तभी तो सुब हमें उस लोकेशन पे मिला ही नहीं, और सुब को ये भी पता था कि धनंजय उसे नहीं मारेगा, और हुआ भी सेम, धनंजय ने उसे नहीं मारा। आखिर में निखिल से मरकर सुब जीत गया और डीजे को बाकी का काम सौंप दिया। अब डीजे के पास वृंदा है, नुसरत है, जो कि हमेशा डीजे से इन्फ्लुएंस रही है, और लास्ट में उसका माइंड वॉश हो भी गया था। अनंत जैसा ब्रिलियंट बच्चा भी है जिसे मारकर डीजे सबके मन में डर बना देगा और फिर रूल करेगा। नैना को तो अपनी साइड ले ही लिया टेक्नोलॉजी के लिए, वैसे नैना का निखिल से डिवोर्स भी हो गया, ये बात भी याद रखना। और सबसे बड़ी बात, जो अश्वत्थामा प्रोजेक्ट था एआई वाला, वो और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगा नैना की मदद से। और अगर महाभारत के हिसाब से बताऊं तो अश्वत्थामा को श्राप मिला हुआ था अमर रहने का। जिस रेफरेंस से देखा जाए तो सुब का अश्वत्थामा प्रोजेक्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इस थ्योरी में कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस वजह से ये थ्योरी रॉन्ग हो सकती है, कमेंट में जरूर बताना, हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी भाई सच बताऊं तो वीडियो में मेहनत तो लगी है, स्क्रिप्टिंग करने में, उसकी रिकॉर्डिंग करने में, फिर उसको मोबाइल पर एडिट करने में, तो यार एक लाइक और एक कमेंट तो मैं भी डिजर्व करता हूं। ऐसी हिडन डिटेल्स और थ्योरीज वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, टाटा बाय बाय।